हरदोई, वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे लोगों को बड़े परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। ये मजदूर घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन साधन न मिलने से नहीं जा पा रहे हैं। मुसीबत से परेशान कई लोग पैदल या साइकिल से घर पहुँचने की कवायद शुरू कर दी है। पंजाब से हरदोई पहुंचे मजदूर ने बताया कि उसने 1600 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की है। अभी उसे घर पहुंचने के लिए 200 से 300 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। मजदूर अजय कुमार ने बताया कि वो पंजाब के अमृतसर में एक फैक्ट्री में डाई बनाने का काम करता था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद जारी लॉकडाउन में वो वहीं फंस गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसके पास कमाई का ना ही कोई जरिया था और ना ही कोई साधन। घर जाना ही एकमात्र विकल्प बचा था। इस दौरान अजय ने साइकिल से घर जाने की ठानी और 9 दिनों के संघर्ष के बाद 16 किलोमीटर पार करते हुए हरदोई पहुंचा। यूपी पुलिस ने की मदद। पंजाब से चले मजदूर अजय की हालत 9 दिनों में खस्ता हाल हो गई। हरदोई जिले के नुमाइश चौराहे पर पुलिस बूथ के पास आकर अजय रुक गया और धराशायी हो गया। और जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ सर, इसके लिए तंगी हो गया। पीएम जी ने जो बोला कि जहाँ है सब वहाँ सही से रहें, तो बाद में वहाँ के जो थोड़ा जो वहाँ के जो सरकार चला रहे हैं, पंजाब के लोग सरकार लोग पंजाबी को ही दे रहे हैं राशन पानी। हम लोग भैया उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा नंबर लिया, हमारा नाम भी लिखे, चार चार बार गए थे लिखवाने, मगर कुछ नहीं दिया। जो जिसके घर में अगर पाव पर चावल देखते थे या तेल देखते थे, कहते अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग भूखे रहते थे, क्या करते। हम लोग मजबूरी में अपना साइकिल उठाए अपने गांव को लौटे आए सर। कितना दूरी तय किया है इस समय? तो सर लगभग हो गया होगा, अगर मिला हूँ तो अपने हिसाब से तो जो है 1600 किलोमीटर हो गया है टहलते टहलते गाँव से। और अब कितना कहाँ जाना है आपको? अभी तो जाना है, हम डिक्टन नगर जाना है। कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ जाना है? हरदोई सर पहुंचा हुआ हूं इस समय, और जो है मुझे लखनऊ होते हुए फैजाबाद से जाना टांडा शहर अपने। रायबरेली गिगासू गंगा पुल पर पहुंची जबरन जिले में प्रवेश करने की कर रहे कोशिश। गिगासू चौकी की पुलिस कर्मियों से हो रही है नोकझोंक। काबू में नहीं आ रहे हैं मजदूर। SDM CO सूचना के बाद भी नहीं पहुंच रहे मौके पर। सरेनी थाना क्षेत्र के गैंगोसो का मामला। वो देखो उधर से निकल रहे हैं वो लोग। जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर पुलिस अब 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज। यूपी के गाजीपुर में जहां लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर पुलिस प्रशासन की कवायद लगातार जारी है, लॉकडाउन के पालन को लेकर पुलिस विभाग को जहां जन सहयोग मिल रहा है, वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से पुलिस महकमा सख्ती के साथ भी निपट रहा है। जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस अब तक 1000 से ज़्यादा मामले दर्ज कर चुकी है, जबकि लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन न करने और बेवजह सड़क पर घूमने के मामले में पुलिस ने 3700 से ज़्यादा वाहनों का चालान किया है। बगैर किसी काम से घर से बाहर निकलने वाली 600 गाड़ियों को भी पुलिस अब तक सीज कर चुकी है। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर पुलिस ने जिले में 2.5 लाख रुपए जुर्माना वसूलने के साथ 12 लाख रुपए का ई चालान भी किया है। पुलिस विभाग का दावा है कि कोरोना से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के पालन के लिए कार्यवाही में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरे जनपद की डॉक्यूमेंट्री बन गई।
लॉकडाउन में एक तो जनता का पर्याप्त सहयोग मिला, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उल्लंघन किया। तो जनपद में कुल 1072 अब तक अभियोग उल्लंघन के पंजीकृत हो चुके हैं और इसमें लगभग 6700 वाहन सीज किए गए हैं, 2.5 लाख से ऊपर जुर्माना वसूला गया है और इसके अलावा ई चालान लगभग 12 लाख का हुआ है और कुल 600 वाहन लगभग सीज किए गए हैं। और इस जनपद में पूरे को हमने सील करने के उद्देश्य से 84 बैरियर बनाए थे जिसमें 6 अंतर राज्यीय और शेष अंतर जनपदीय बैरियर हैं। इन बैरियर पे 3 शिफ्ट में लगातार ड्यूटी चल रही है और लगातार जो शासन के निर्देश हैं उसके तहत ही लोगों को प्रवेश करने दिया जा रहा है, यानी जो गुड्स के वाहन हैं या जो पास वाले वाहन हैं या जो इमरजेंसी सर्विसेज के वाहन हैं उसके अलावा और किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ जनपद के नगर पंचायत अंतु में बाबूगंज बाजार अंतु मार्केट संपूर्ण मार्केट पूरी तरह से खुले हैं। लॉकडाउन का किसी को उल्लंघन देखना है तो नगर पंचायत अंतु आकर देखे। उड़ रही हैं लॉकडाउन की धज्जियां, बिना मतलब के भी लोग घूम रहे हैं, सड़कों पर नहीं हो रहा है किसी का चालान, चाहे बाइक पर एक आदमी हो या तीन, नहीं है किसी को कोई डर। बाबूगंज चौराहे पर लगी है बहुत बड़ी बाजार, बीमारी बढ़ने का पूरा है खतरा, वीडियो मौजूद है।